और इसी बीच एक और बड़ी खबर से रूबरू आपको करा दे, जहां ज्ञानवापी पर आज अहम सुनवाई। वाराणसी के ज्ञानवापी का सच आज आएगा सामने। सर्वे की वीडियो और फोटो दोनों पक्षों को दी जाएगी। ज्ञानवापी मुद्दे पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी सुनवाई। ज्ञानवापी की मालिकाना हक के मामले में सुनवाई। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां ज्ञानवापी मामले पर आज सुनवाई हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि वाराणसी के ज्ञानवापी मामले पर आज काफी अहम सुनवाई होनी है, जिसमें वाराणसी के ज्ञानवापी का सच आज आएगा सामने। वहीं सर्वे की वीडियो और फोटो दोनों पक्षों को दी जाएगी। ज्ञानवापी मुद्दे पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी आज सुनवाई। ज्ञानवापी के मालिकाना हक के पर आज सुनवाई होनी है कि आखिर ज्ञानवापी पर जिस तरह का विवाद यहां पर देखने को मिल रहा है, ज्ञानवापी को लेकर के लगातार यहां पर कोर्ट में फैसले पे फैसले आ रहे हैं, सुनवाई भी की जा रही है। और इस बीच अब आज इसलिए भी अहम दिन है क्योंकि आज अहम फैसला हो सकता है, अहम सुनवाई आज होनी है ज्ञानवापी मामले को लेकर के। फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी आज सुनवाई होनी है। और इसी विषय पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ हमारे संवाददाता सचिन पांडे फोनलाइन पर सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, क्या कुछ अपडेट, समय क्या यहाँ पर निर्धारित किया गया है सुनवाई को लेकर के? बिल्कुल सीमा, बता दें कि ज्ञानवापी में जो वजूखाना है या शिवलिंग है, इस पर आज जिला जज की अदालत में बहस होनी है, जो कि दो बजे के बाद कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी। और अंजुमन इम्तियाज मस्जिद कमेटी की ओर से पूरे मामले को खारिज करने की दलील भी दी गई है। तो 2 बजे के बाद इस पे जो कार्रवाई होगी वो इस पे जो सुनवाई होगी वो चालू होगी। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि दोनों के दोनों पक्ष को जो वीडियोग्राफी और फोटो जो है वो सौंपी जाएगी। ये भी एक बड़ा मामला है क्योंकि लगातार जो डेट पे डेट पड़ रही थी उसको देखते हुए 30 मई जो आज है, उस जज जो जिला कमेटी जिला जज है उन्होंने आज की जो डेट है वो निर्धारित की थी। तो दोनों के दोनों जो पक्ष हैं उनकी जो दलीलें हैं, कभी जो हिंदू पक्ष है बराबर दलील दे रहा है कि यहाँ पे शिवलिंग है, तो वहीं पे जो मुस्लिम पक्ष की अगर मैं बात करूँ तो वो भी लगातार दलील दे रहा है कि यहाँ पे फुआरा है। इसी में जो घमासान मचा हुआ इस पे आज की जो सुनवाई है 2 बजे के बाद स्टार्ट होगी। सीमा, बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सचिन, नजर बनाए रखिएगा और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे।